देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पहुंची हुई है, मैं आपको बता दूं कि ये गोंडिया जिला के अंतर्गत पटना चौक है, मुख्य सड़क मार्ग के बगल में मैं एक चाय की दुकान पर चाय की चुस्ती के साथ शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यहाँ पर 20 तारीख को लोग अपनी मतों का प्रयोग करेंगे, तो आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ दिखाएं, यहाँ पर एक चाय की टुकड़ है, अपने सहयोगी से मैं दिखाना चाहूँगा कि आप उस तरफ लेकर जाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एक चाय की टुकड़ पर मैं मौजूद हूँ और हर दिन सुबह हो या शाम लोग काफ़ी संख्या में चाय की चुस्की लेने के लिए आते हैं। और इस साइड में दिखाना चाहूँगा, आप इस सड़क के तरफ दिखाएं लेकर चलें, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मुख्य सड़क मार्ग है, ये गोड्डा जिला अंतर्गत जगह है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ मैं शुरुआत करता हूँ कि झारखंड विधानसभा में 2019 का जो होने जा रहा है, 20 तारीख को लोग अपनी मतों का प्रयोग करेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती है। तो आइए यहाँ पर कुछ जनता से मैं जानने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, ये गोड्डा जिला का प्रवेश द्वार है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गोड्डा में आपका स्वागत है। ये झारखंड का इलाका, मैं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा 2019 के तहत आज हमारी भारत न्यूज़ टीवी की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये खटनई गांव में मैं मौजूद हूँ। आइए यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर लोगों का क्या है मिजाज। टीम पहुंची हुई है झारखंड विधानसभा 2019 के तहत, जो जनता का क्या है मिजाज। आज हमारी टीम गोड्डा जिले के खटनई गांव में मौजूद है और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहां पर 20 दिसंबर को मत दिया जाएगा, मतदान किया जाएगा लोगों द्वारा। तो आइए जनता का क्या है मिजाज ये जानने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे कुछ जनता बंधु मौजूद है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या है मिजाज। तो आइए कुछ जनता से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। चौबे है आचार्य भवेश जी महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। जी जी महाराज जी, जिस तरह से अभी झारखंड विधानसभा 2019 का जिस तरह से अभी ठंड का मौसम है और इस ठंड में ये जो राजनीति की गर्मी है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये गोड्डा जिला जो कि झारखंड राज्य अंतर्गत आता है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतेगी, आपको क्या लग रहा है? हमारे गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में 20 दिसंबर को चुनाव है। जी जी, हम लोग मतदान करने जा रहे हैं जी। और फिलहाल अभी हमारे गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से तो हम लोगों को लग रहा है जी कि राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी जी, यही दोनों में टक्कर है। अमित कुमार मंडल और राजद से संजय प्रसाद यादव, ये दोनों में टक्कर है। परंतु हम लोग उम्मीद रखते हैं, और जैसा कि हम लोग तो बराबर घूमने वाले महाराज जी हैं तो होते ही हैं, और जैसा कि हम लोगों ने आकलन किया है कि बीजेपी यहाँ से अमित कुमार मंडल जी बहुत अधिक वोट से यहाँ विजयी होने वाले हैं, और मेरा अनुमान है जैसा कि हम लोगों ने बाहर भी देखा। नहीं नहीं नहीं, आपसे जानना चाहूंगा क्यों लग रहा है कि ऐसा अमित जी जीते संजय जी? इसलिए कि हमारे क्षेत्र में अमित जी ने काम किया और हमारे उनके पिताजी ने भी काम किया, उनके दादाजी ने भी काम किया है, और ये अभी अच्छे वक्ता में से विद्वान आदमी है, और हम लोग इनको पूरा समर्थन किए हुए हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि अमित कुमार मंडल जी बीजेपी से बहुत अधिक वोटों से, मैं अपनी ओर से भविष्य आचार्य भवेश जी महाराज की ओर से बहुत बहुत कल्याणमस्तु का आशीर्वाद हम देते हैं अमित कुमार मंडल को। बाबा ठंडी का मौसम है और अभी हल्का फुल्का बूंदाबूंदी भी हुई है, ठंडी बढ़ गई है, और यहाँ पर 20 को जो राजनीतिक की गर्मी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या आप लोग मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे मतदान में? देखिए, मतदान तो अधिकार है, अधिकार है और 5 साल में एक दिन आता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो है जिस तरह से कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, आपको क्या लग रहा है कि झारखंड विधानसभा में? टेस्ट तो दूम है, उम्मीद है, और जब हम लोग भी अमित मंडल को ही वोट देंगे, अमित मंडल को। हाँ, जबकि बस्ती में कोई खास विकास नहीं हुआ है नाले का, लेकिन इसके बावजूद भी दे रहा है। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ गोड्डा जिला में तो विकास होगा। अच्छा, गोड्डा जिला विकास हो रहा है। नाम आपका? मेरा नाम सदानंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सर युवा चेहरा है, तो क्या लग रहा है यहाँ पर झारखंड विधानसभा 2019 का माहौल जैसा लग रहा है? जी जी, यहाँ पे
संजय प्रसाद यादव जी और अमित मंडल जो बीजेपी के युवा नेता हैं जी, दोनों में कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और हम लोग पूरा समर्थन जी, पूरे गांव का समर्थन बीजेपी को है अमित कुमार मंडल, क्योंकि युवा नेता है जी, और काम करे अथवा नहीं करे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी सपोर्टर। यस, तो ये बताइए कि ये कौन सा गाँव है? ये खटनई गाँव जी। कौन से जिले में आते हैं? ये गोड्डा जिला में, गोड्डा जिला झारखंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुमार दास जी। काफी ठंड लग रही है आपको? क्योंकि आप है, जो है ठंड तो है जी, ठंड है, लेकिन ठंड में जो राजनीति की गर्मी है वो क्या है? राजनीति की गर्मी तो हम देख ही रहे हैं, दोनों संजय प्रसाद यादव एक अमित मंडल, ये दोनों में कांटे के टक्कर होने वाली है। तो कौन जीतने वाले हैं आपको क्या लगता है? अभी तो कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, बाद ही पता चलेगा। चलिए, नाम आपका? अनुपम कुमार दास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, 20 तारीख को मतदान होगा यहाँ पर गोड्डा विधानसभा में हम लोग हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन यहाँ पर जीतेंगे? जैसे हम लोग तो अभी बीजेपी से जीते हैं, कौन तो हम लोग कैसे बता? बीजेपी को आप चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? इसीलिए कि हमारे जब से हम लोग बीजेपी में ही है। हाँ, बीजेपी में है। लेकिन ये जो है ठंड का मौसम है और आपको गर्मी आ रही है, क्या राजनीतिक की गर्मी है क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, और यहाँ पर मैंने जनता से जाने के जनता का क्या है मिजाज, मैं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा 2019 का जो चुनाव चल रहा है इस पर गोड्डा जिले के आज खटनई गांव में मैं मौजूद हूँ, और खटनई के गांव के कई जनता से मैंने जाना कि जनता का क्या है मिजाज। देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, गजेंद्र गुर्जर के साथ नमस्कार।